नमस्कार, सफ़र सच में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से महिलाएं वट वृक्ष की पास पूजा कर रही हैं, उनके पास पूजा कर रही हैं, चारों ओर घूम करके पूजा कर रही हैं। कहीं ना कहीं वट सावित्री व्रत की जो पूजा होती है वह पति की लंबी उम्र आयु की कामना करती हैं और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और पुत्र प्राप्ति को इच्छा रखने वाली महिलाएँ करती हैं। इस दिन जो होता है ख़ास तरीके से महिलाएँ अपने आप को तैयार करती हैं, 16 श्रृंगार कर करके बरगद के की जो पूजा अर्चना करती हैं वो और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। इस दिन सुहागन चने की प्रसाद और तमाम तरीके से जितने तमाम जैसे कि फल फ्रूट्स हैं वो चढ़ाती हैं और कहीं ना कहीं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। इसके पीछे एक कथा है। कहा जाता है कि नव विवाहित सावित्री के पति सत्यवान के प्राण हर करके जब यमराज ले जा रहे थे तो अपने पति सत्यवान के जीवन को पाने के लिए यमराज के पीछे पड़ गई और तब तक लगी रही जब तक उनके जान हाथों में ना सौंप दिया हो। और कह सकते हैं कि इसी तरह से उसी दिन से एक प्रथा चली आई महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं, इस पूजन को करती हैं। इस व्रत में जो होता है महिलाएं अपने आप को खास तरीके से तैयार करती हैं। एक सुहागन जिस तरह होता है 16 श्रृंगार करके जिस तरह से देख सकते हैं कहीं ना कहीं तमाम तरीके के जो पहनावा ओढ़ाव होता है कह सकते हैं कि एक दाम्पत्य जीवन की जो शुरुआत होती है पहला पड़ाव होता है जो पहला तरीके से शादी किया जाता है जिस समय उस तरह की तरीके के से 16 श्रृंगार अपने आप को सजती हैं, संवरती हैं और कहीं ना कहीं इस त्यौहार को अपने एक अलग ही तरीके से मनाती हैं महिलाएँ। इसके लिए 2 दिन पहले पूर्व से ही तैयारियाँ जोरों शोरों से करती हैं, कहीं ना कैसे कह सकते हैं कि अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। जैसा कि देख सकते हैं तमाम तरीके से महिलाएं किस तरह से इस त्यौहार को कर रही हैं, खुशी से कर रही हैं। नमस्कार, जय हिंद।